तो आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक ऐसी जोड़ी से, एक बेहद ही दिलचस्प, एक बेहद ही काबिल और बहुत ही संगीत के संस्कारों वाली पिता और बेटी की जोड़ी से। स्वागत कर रहा हूँ पलक जैन और उनके पिता सचिन जैन का। नमस्कार शिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। सचिन और पलक, आप दोनों का स्वागत है रागगिरी के YouTube चैनल पर। और हम सब जानते हैं कि तकनीकी लिमिटेशंस हैं, तो एक साथ आप दोनों से बात कर पाना उतना बेहतर तरीके से संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं चाहूँगा कि आप दोनों लोग पहले एक साथ दें और उसके बाद फिर मैं आप दोनों लोगों से अलग अलग सवाल पूछूंगा। लेकिन पहला सवाल बहुत ही कठिन भी और बहुत ही आसान भी। सचिन और पलक, आपके लिए दरअसल संगीत क्या है? संगीत एक हॉबी के तौर पे शुरू हुआ था, जो पैशन कब बना पता नहीं चला और कब जीवन भी बन गया वो भी पता नहीं चला। एक्चुअली संगीत मेरे लिए मेरे पापा से हमेशा जुड़े रहने का एक जरिया है, तो संगीत उस हिसाब से मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अलग अलग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सचिन, आप में संगीत कहाँ से आया? क्योंकि आपकी अगर मैं पढ़ाई लिखाई देखता हूँ तो जो सबसे मुश्किल कोर्सेज में माना जाता है, आपने सीए किया हुआ है, लेकिन संगीत आप में है और अच्छा खासा संगीत है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो संगीत का सोर्स डेफिनेटली मेरी मदर है, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया फ्लूट भी प्ले करने के लिए और सैक्सोफोन भी सीखने के लिए। सचिन, एक सवाल बड़ा स्वाभाविक है कि अमूमन संगीत सिखाते वक्त पेरेंट्स का एक प्रेशर हमेशा रहता है कि संगीत तो सीख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वो कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप पर भी इस तरह का कोई प्रेशर था? मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मुझ पर कभी भी किसी तरह का कोई करियर का कभी कोई प्रेशर नहीं रहा। उन्होंने हमेशा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट ही किया हर चीज में, तो ये सब करियर भी साथ में चलता रहा और म्यूजिक भी साथ में चलता रहा। सचिन, कुछ बजाकर सुनाइए, और खास तौर पर आपका तो आपके इतने नगमे मुझे पसंद हैं और आपने जो बजाए हैं और जो आपके YouTube चैनल पे मैं देखता हूँ, मतलब एक बार अगर शुरू होता हूँ तो एक के बाद एक वीडियोस देखता रहता हूँ, लेकिन आपका पसंदीदा गाना कोई हो वो बजाए, और मेरी फरमाइश जब कोई बात बिगड़ जाए। जब कोई बात बिगड़ जाए वो सॉन्ग का थोड़ा सा पार्ट मैं प्ले करता हूँ। शामिल करते हैं इस इंटरव्यू में, और आप मुझे ये बताइए कि आपने जो सीखना शुरू किया उसके पीछे की वजह क्या थी? जब आप छोटी थीं तो क्या पिता को संगीत आता है, पिता को देखकर ये आदत पड़ी कि हाँ मुझे भी सीखना है? इस बात पर मुझे घटना याद आती है कि जब मैं लगभग 7 साल की थी तो पापा घर पे फ्लूट की क्लासेस लेते थे और बहुत बच्चे उनसे सीखने आते थे। तो एक बार एक छोटी लड़की आई थी हम उम्र की, तो उसने अभी फ्लूट सीखना चाहा, तो उसे देख के, उससे इंस्पायर होके मैंने भी सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और वहीं से मेरी फ्लूट की जर्नी चालू हुई। पलक, आपकी तो बांसुरी, मतलब मुझे याद है जब पहली बार मेरा आप लोगों से परिचय हुआ ट्विटर के जरिए और मैंने आपका एक वीडियो पोस्ट किया, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा, और उसके बाद मतलब बहुत कम मौके ऐसे आए हैं जब ट्विटर पर हमसे ये कहा हमारे प्रशंसकों ने, रागगिरी के शुभचिंतकों ने, कि एक वीडियो और पोस्ट किया जाए, और फिर हमने आपका एक वीडियो और पोस्ट किया, तो कुछ आपका सुनने को मिले हम सभी को। तो मैं आपको पंचमदा का कंपोज किया हुआ एक बहुत खूबसूरत गीत सुनाती हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली अपने YouTube चैनल पे भी अपलोड किया है और सबने उसे बहुत पसंद भी किया है। ये आप कैसे बैलेंस बनाती हैं अपना म्यूजिक और प्लस पढ़ाई का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस देश में हैं
जो संगीत सीख रहे हैं, और आप उनके लिए एक तरीके से आप अभी पढ़ भी नहीं है और आपकी परीक्षाएं है रहती हैं अक्सर, और उसके बीच संगीत का संतुलन कैसे बनाती हैं आप? मुझे लगता है कि स्टडीज बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं स्टडीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, बट ऑन द अदर हैंड मैं किताबी कीड़ा भी नहीं हूँ, तो मैं हमेशा स्टडीज और फ्लूट दोनों के लिए टाइम निकाल पाती हूँ और मैं इक्वली बैलेंस भी कर पाती हूँ। अच्छा पलक, वो पीढ़ी जो आजकल का म्यूजिक सुनती है, आजकल का म्यूजिक पसंद करती है, उसमें खोई रहती है, उस दौर में मदन मोहन के गाने बजाना या दूसरे उन संगीतकारों के गाने बजाना जो अपेक्षाकृत ज्यादा गंभीर किस्म के माने जाते हैं, मेलोडियस जरूर है लेकिन गंभीर किस्म के माने जाते हैं, कैसे आपके अंदर इनकलकेट हुआ? मेरी दादी के कारण मैं बचपन से घर में पुराने गाने सुनती आई हूँ और मुझे फ्लूट पर पुराने गाने बजाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाती हूँ। वेयरएज मैं नए गाने भी सुनती हूँ और मैंने बहुत सारे नए गाने भी ट्राई करे हैं, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे कौन से गाने ज्यादा पसंद है तो मुझे दोनों गाने बहुत पसंद है, नए और पुराने। अच्छा सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि आप जब हॉस्टल में थे तो जोर जोर से गाने भी गाते थे, तो वो कहानी जरा बताएं, पहले आप वो कहानी बता लें फिर सवाल उसके बाद पूछूंगा। साल 2000 से 2002 का समय काफी चैलेंजिंग था, उस टाइम मस्ती कर रहा था, हॉस्टल में रह रहा करता था नागपुर में अपने फ्रेंड्स के साथ में, काफी परिस्थितियां विपरीत थी, फाइनेंशियल पोजिशन भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं था उसमें, काफी सारे इशूज चल रहे थे लाइफ में, उस टाइम सी का भी दिमाग में हर वक्त वो रहता था कि क्या होगा रिजल्ट पता नहीं, तो एक अजीब सी उस टाइम एक बेचैनी रहा करती थी उन्होंने, तो उस टाइम हम लोग ये गाना गाया करते थे, मैं और मेरा एक मित्र आलोक करके, आलोक संदीप दिनेश, हम चारों मिलकर गाना गाते थे, रुक जाना नहीं तू कहीं हाँ की, और फुल सॉन्ग में गाते थे, तो गाने की लिरिक्स कुछ ऐसी है कि इसमें अपने आप एनर्जी आती है, तो वी यूज टू सिंग दैट सॉन्ग इन द लाउडेस्ट वॉइस पॉसिबल। एक्चुअली नहीं, मैं दरअसल यही जानना चाह रहा था कि आपने सामाजिक दबाव कह लें, अपनी जिम्मेदारियों की समझ लें, उसकी वजह से संगीत को प्रोफेशनली नहीं चुना, लेकिन क्या पलक को आप ये फ्रीडम देंगे कि अगर वो चाहें कि वो फुल टाइम म्यूजिक में अपना करियर चुन रहे तो आप इसकी इजाज़त उनको देंगे क्या, और ये कितना ज़रूरी है, मैं ये भी समझना चाहूँगा। पलक को अपना करियर चुनने की पूरी फ्रीडम है, उसको हमने कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया, इनफैक्ट म्यूज़िक के लिए भी नहीं करता हूँ, और ये बात और है कि मैं उसके पीछे लगा रहता हूँ रियाज करने के लिए, लेकिन एज अ करियर वो जो बनना चाहे वो बने, इसके लिए उसको पूरा पूरा आशीर्वाद। शुरू में मैंने एक सवाल साथ में किया था आप लोग के, और अब एक जुगलबंदी देखने का मन है, मतलब पहले ही मैंने कह दिया था कि दरअसल सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं टेक्निकली, इसलिए बहुत सारा हम बहुत बड़ा कुछ नहीं सोच सकते, लेकिन कम से कम एक ऐसा गाना जो आप दोनों एक साथ बजाएं हमारे फेसबुक के, ट्विटर के और तमाम सोशल मीडिया के उन लोगों के लिए जो हमसे रागगिरी से जुड़े हुए हैं। ओके, जुगलबंदी करते हैं, कौन सा? चुरा दिया है तुमने। से जानना चाहेंगे कि अगर जैसा अभी सचिन ने भी कहा फ्रीडम की बात, लेकिन आप क्या करना चाहती हैं? आपको लगता है कि जो आज का समय है, जिस तरह का एक्सपोजर है, उसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज म्यूजिक में हैं कि अगर आप इसको एज अ करियर परस्यू करें तो आपको कामयाबी मिलेगी, इस पर आप क्या सोचती हैं? तो मैंने अभी तक डिसाइड किया नहीं है कि मैं बड़े होकर प्रोफेशनली क्या करूंगी, बट आई जस्ट होप, मैं दुआ करती हूँ कि मेरी लाइफ से म्यूजिक कभी ना जाए। अच्छा, अपने पसंद के कुछ गाने आप मुझे सुनाइए, जरूरी नहीं है कि बहुत उसका हम अंतरा भी सुने, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी हमें बताएं और सुनाएं अपनी पसंद, ताकि पता चले कि जो आज की, क्योंकि आप यंग जनरेशन है, आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप बहुत पुराने गाने, आज की जनरेशन क्या सुनती है, क्या पसंद करती है और क्या बजाना चाहती है, ये आप बताएं। तो लास्ट सॉन्ग मैं अपना एक फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग बजाना चाहूंगी, सेनोरिटा।
अच्छा कभी रियाज करने ना करने पर या करने पर ज्यादा, दोनों सिचुएशंस यानी ज्यादा करने पर या बिल्कुल ना करने पर डांट पड़ती है पेरेंट्स से? तो जब भी मैं रियलाइज करती हूँ कि पापा मुझसे कम बात कर रहे हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि मैंने कम रियाज किया है, इसीलिए मैं फिर से रियाज करने बैठ जाती हूँ और उसी तरह मैं उन्हें फिर से मना लेती हूँ। सचिन, आपके लिए सवाल ये है कि एक घर की लाइफ लाइन होती है और निश्चित तौर पर वो लाइफ लाइन आपकी पत्नी है, पलक की माँ है, कैसे कैसे सब कुछ संतुलित होता है, क्योंकि घर में दो संगीत से जुड़े लोग, फिर अपने अपने ऑफिस के काम, और खासतौर पे अभी पिछले दिनों लॉकडाउन का पीरियड था, कैसे कुछ समय बीता कुछ जरा बताएं। कभी ऐसा हुआ कि सब लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, संगीत चल रहा है और उनकी संगीत में कितनी दिलचस्पी है? सो नो डाउट अबाउट दैट, मेरी वाइफ स्मिता, उनका बहुत क्रिटिकल रोल है इसमें पूरी म्यूजिकल जर्नी में, और वो बहुत अच्छे से बैलेंस बना के रखती है मेरी म्यूजिकल जर्नी और बाकी सब चीज़ों में, और उनके ईयर फॉर म्यूजिक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मैं कभी अपने प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ तो तुरंत मुझे बता देती है कौन सा सुर गलत लगा है, कौन सा सही लगा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इनफैक्ट मैं आई बिकम वेरी कॉन्शियस व्हेनेवर आई प्ले एंड शी इज़ अराउंड, सो शी प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ। चलिए चलते चलते सचिन, फिर आपसे आखिर में एक बार फिर यही दरखास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का कोई एक गाना जो हमसे रह गया हो वो बजाइए, और उसके बाद आपका मैं कहूंगा बहुत 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 धन्यवाद। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, ये साउंड ट्रैक। शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और सचिन जी आपकी पत्नी का, पलक आपकी माँ का, जिन्होंने आप जैसे कलाकारों को सपोर्ट किया है और इस इंटरव्यू को दरअसल लाइनअप भी उन्होंने ही कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच चंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।